अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हम लोगों ने अपने आप को नेशनल एमडी कैडेट के लिए किस तरह से रजिस्टर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है कि पीएमसी रजिस्ट्रेशन 2021। उसके बाद बिल्कुल टॉप पर आइए, इस पर क्लिक कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि रजिस्टर फॉर नेशनल एमडी कैडेट 2021। तो नीचे ये क्लिक हियर पर क्लिक कर दें। आफ्टर दैट अब यहाँ पर वो लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लोग जस्ट ईमेल और पासवर्ड एंटर करो और लॉगिन हो जाओ। इन केस आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप लोगों ने यहाँ पर नीचे साइन अप पर क्लिक करना है। ये जहाँ पर लिखा हुआ है कि डोंट हैव एन अकाउंट, इसके बाद ये जो साइन अप लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। योर स्टूडेंट नेम, उसके बाद जो है वो फादर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अपना CNIC इंटर करना है। ठीक है, अगर आप लोगों का अपना CNIC नहीं है तो आप लोग अपने बे फॉर्म पर जो नंबर लिखा होता है वो इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, इस पर क्लिक करके डन कर लें। नीचे आप लोगों ने अपना नंबर लिख लेना है। ठीक है, जो भी आप लोगों का है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी अपनी ईमेल लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड जो जिस वक्त आप लोग अपना कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग, मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वो पासवर्ड अपने पास लिख लें ताकि बाद में ज़रूरत आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है कि नीचे लिखा हुआ है कि साइन अप। ठीक है, जिस वक्त आप लोग साइन अप कर लेंगे, जब हम लोग साइन अप पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि हमको एक मेल सेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने जो है वो ईमेल की तरफ चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर, आप लोगों को जब मेल आएगी तो आप लोगों ने वहाँ पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन का कोई होगा लिंक, तो मैंने वहाँ से लिंक को कॉपी कर ली क्योंकि मेरे ईमेल का कोई मसला था। उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। इन रिसेंट डेट में हमारे पास अपना अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो नीचे लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल जो भी है वो इंटर करेंगे और हमने जो पासवर्ड रखा था वो इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लिख लिया है, तो उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर जिस वक्त आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो हम लोग पहले चीज़ें जो है मेंशन कर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये यहाँ पर ये लिख लेगा खुद ही। ठीक है, जिस तरह कि फादर नेम, सॉरी स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, आपका CNIC। नीचे वो उसने कुछ बताया कि इम्पोर्टेंट नोटिस, उसमें उसने सिर्फ यही लिखा कि आप लोग इन चीज़ों को दोबारा से रीचेक कर लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अगर गलती है तो आप लोग इसको एडिट करके सही कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसको अपलोड पर कर दो। जब हम लोग उसको फर्दर जो है वो अपलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएंगे हमारे डेट ऑफ बर्थ के। यहाँ से हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करेंगे। नीचे आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल। उसके बाद अगर आप लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में रहकर टेस्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ़ इन केस अगर आप लोग फॉरेनर हैं तो आप लोग फॉरेनर पर क्लिक करेंगे और नीचे से एक चूज़ कर लेंगे अपना पासपोर्ट या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तानी हैं तो हम लोग पाकिस्तानी पर ही करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोगों ने CNIC जो आप उसकी इशुंस डेट है वो इंटर कर लोगे। आप लोगों का करंट सिटी उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने मिसाइल जिस सिटी का है वो आप लोगों ने इंटर करना, जैसे कि मेरा हरिपुर है तो मैंने हरिपुर का इंटर किया है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि अपना होम एड्रेस देना है। ठीक है, जिस तरह का मैंने अपना लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का वो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप लोगों का HSSC, मतलब कि आप लोगों ने FSC की तरफ से किया, उस स्कूल का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, फर्दर वो इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से सिटी में है वो इंटर करना है। ठीक है, और यही चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फ़ाइल चूज़ कर लेनी है अपनी पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो या लाइब्रेरी में हम लोग जाएंगे तो यहाँ से हम लोग अपनी जो प्रोफाइल पिक है वो चीज़ वो फ़ाइल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर
नेक्स्ट आप लोगों को जब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो आप लोगों को ये सारी समरी जो आप लोगों ने चीज़ें एंटर की हैं वो सारी कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने फिर एक मतलब चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लें, एडिट कर लें, ठीक है। उसके बाद फर्दर नीचे आएँ तो पेमेंट का मैथड हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात बता चलूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारे पास 6000 है, इसमें हमारे पास इसकी जो है वो एग्ज़ाम फ़ी है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं। इसमें ये है कि एक तो ये जो 6000 है इसमें हमारी एक तो जो अपना मेन टेस्ट है उसकी जो है वो इसमें उन्होंने इंटर की हुई है फ़ी है। फर्दर इसमें हमारे पास ये लोग PMC वाले क्या करेंगे कि टेस्ट से पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज करेंगे, उसके पैसे भी इसी में हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फर्दर जब हमारा टेस्ट पास हो जाता है तो हम लोग रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो वाली फ़ी भी इसी में उन्होंने इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग परेशान ना हो। फर्दर हमारे पास आप पेमेंट्स के दो मेथड हैं, एक आपका क्रेडिट कार्ड और दूसरा बैंक। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग बैंक को जो है वो चूज़ करो, ये जो है वो इजी है। तो यहाँ पर हम लोग पे थ्रू MCB बैंक और इसको नेक्स्ट जो है वो अपनी फ़ी स्लिप जो है वो उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास स्लिप आ गई, इसमें भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें फिल करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग खुद जो है वो फ़ी वगैरह डिपॉजिट करवा रहे हो तो आप लोग यहाँ पर डिपॉजिटर नेम पर अपना नाम लिखोगे, उसके बाद अपना ECNIC और ये डिपॉजिटर कॉन्टैक्ट वगैरह वो चीज़ लिख लोगे। फर्दर इसमें डेट वगैरह और पेमेंट मोड कैश वगैरह ये आप लोग लिख लोगे और नए लास्ट पे आप लोगों ने डिपॉजिटर साइन पर जो है वो क्लिक करना है। इसके बाद जब आप लोग फ़ी वगैरह सबमिट करवाओगे तो उसके बाद वापस आकर आप लोग अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करोगे और वहाँ पर ऑटोमेटिकली पेड का ऑप्शन पेड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने फर्दर उसको स्कैन करके अपलोड नहीं करना, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों का लिख लेते हैं, आप लोगों को रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा होता कि हम लोगों को वो दोबारा से जो है वो स्कैन करके उस स्लिप को अपलोड करना होता था, लेकिन वो अब ऑटोमेटिकली हो जाता है सब कुछ, ठीक है। और फर्दर फिर अच्छा उसके बाद फिर आप लोग जिस वक्त हमारे पास अब 15 इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आएगी, उसमें वो आप लोगों को 3 डेट्स देंगे, ठीक है। उन 3 डेट्स में से आप लोगों ने कोई एक डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, उन जो गिवन 3 डेट्स आप लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को साथ में फिर रोल नंबर स्लिप वगैरह वो सारा कुछ भी इशू हो जाएगा, आप लोगों का टेस्ट सेंटर जो भी है, ठीक है। बस इन दिस डेट पे आप लोग अपने आप को नेशनल MD कैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद फर्दर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू।